मुंसिफ का जो बड़ा भाई है वो जा रहा है बाहर मुल्क, यूके जा रहा है या अजरबैजान जा रहा है मेरे ख्याल से। तो हम भी आए हैं, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी सेट करेंगे, उसको ड्रॉप करेंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक। तो अभी हम बाइक पर आए हैं, ब्लॉग इधर से मरकज जो है ना वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो सीन इस तरह है कि अभी हम थोड़ा खुद का खर्चा वर्चा करेंगे, घर जाएंगे, फिर नहाएंगे और फिर आपको मिलते हैं गाड़ी सेट करने के बाद। अभी आए हैं बार्बर के शॉप, यहाँ से फारिग होकर फिर निकलते हैं। तो फाइनली दाढ़ी वाड़ी सेट कर ली, वंसिफ ने भी अपने ऊपर खर्चा कर दिया। खराश कर मीनू वो लेता था ना भाई, मीनू वो लेता शर्मा रहा है। तो अभी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, बाइक को, और निकलते हैं घर के लिए। और गाड़ी को अभी निकालना है, रास्ता काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है। फाइनली हम घर तो आ गए थे। तो अभी सीन इस तरह है कि रात के बज रहे हैं 12, उनसे भी कॉल आ गई। हाँ ज़रूरत है, ज़रूरत है साइबर दुकान तरफ पहले सही। तो सीन इस तरह है कि हम रात को तो घर पहुंच गए थे, लेकिन अभी जाना है एयरपोर्ट। तो मुझसे मुझे पिक करने आ गया है, बाहर खड़ा हुआ है। अभी बज रहे हैं 2:13 रात के। तो अभी हमें निकलना है, क्या करें, सारे लोग सोए हुए पड़े हैं, लेकिन दोस्ती है, दोस्ती में ये चीज़ें करनी पड़ती है, कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है, एक दूसरे के काम आना पड़ता है। तो अभी वो बाहर खड़ा है और वालिदा से मिलते हैं, अबू से मिलते हैं, निकलते हैं। गाड़ी को तो पहले से मैंने बाहर निकाल दिया था, तो अभी खुद निकलते हैं। गेट खोलते हैं और निकलते हैं, टाइम काफ़ी लेट हो गया है, वो बाहर इंतज़ार कर रहा है मेरे। तो बाइक पर है, गाड़ी तो मैंने जिशान के हुजरे में खड़ी की हुई है, लेकिन हमें अभी निकलना होगा, टाइम काफ़ी लेट हो गया यार। कुत्ता अभी इस पर पाँव रख देता, काट देता। अभी ये सीन चेक करें, गाइड के पीछे आ गए और गाड़ी की चाबी जो है ना वो घर पे भूल आई है इसकी वजह से। अभी यहाँ पर खड़े हैं, जो बाइक पर हमें ड्रॉप करने आया था वो भी चला गया, और अभी हम हुजरे के सामने खड़े हुए हैं और चाबी जो गाड़ी की है वो हम घर पे भूल आए। तो अभी हिरन को कॉल लगाएंगे, वो बाइक निकालेगा और फिर दोबारा जाएंगे अपने घर। रात के 3 बज रहे हैं ना, जल्दी का काम होता है ऐसे। फिर ना दरवाजा खोलो, वो तो अच्छी मोटरसाइकिल करूँ बस इधर चाबी में प्रेस कर दा मड़ा मोटरसाइकिल चाबी में प्रेस कर सही है। अरे रख को रख कर यार, जर का मोटरसाइकिल लुबास ना वक्त है रहा भाने शाबा, गाड़ी 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 इधर है लेकिन चाबी है जो घर पे भूल आया हूं। और चढ़ी के रो रो जमुंग रो रे जमुंग रो रे जमुंग रो रहे हैं। अलग यार दा खोट रश्वत फोर सूर्य का पेट्रोल बाकी मुंगा ना वक्त कसम जो इस्लामाबाद पे खबर मंडे तो कोनी मड़ा तो बजे टाइट नहीं तो बजे टाइट तो कोई चाहिए किसी को अभी तो उधर ही वो अभी पास वाला गाड़ी सुन को वशाबा यार ये ऐसे बंदे खफा हो गया। अभी कह रहा है कि 100 रुपए दे दो मैं गाड़ी निकालूंगा। अभी मैं ये इतनी बड़ी साइको टेंशन लेती खाइको अपन है ना, इतनी बड़ी साइको मैं निकाल रहा हूँ, इस्लामाबाद ले जा रहा हूँ, दिल ऐसा धक धक कर रहा है, लेकिन फिर से कह रहा हूँ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ, साइको को चोट लगी हुई है यार, ये चेक करे ये और गाइस ज़रूर मुझे नए कपड़ों के मतलब मुबारकबाद दे देना, मैंने नए कपड़े पहने हुए हैं और कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स बता दे, कलर कैसी है। ये दोबारा ये मेरे ईद के कपड़े थे, लेकिन इसको मैंने फिर दोबारा टेलर जो है ना उसको दे दिया था, उसने सिए हुए थे लेकिन खुले थे, 2-3 इंच जो है ना वो उसने खुले मतलब सिए हुए थे, तो दोबारा उसने खोले और फिर उसने सी दिए। तो आज हम जा रहे हैं किधर, जल्दी बोल यार, कल सुबह पलवे निकलना है। हाँ उसको बोलो वो बाइक पे आ जाएगा तो हम हमारा
रहा था। सो फाइनली अपना की उठा लिया, वो भी निकल आया। हाँ जल्दी से, तो अभी गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हमने इधर वेस्ट कर दिया। अब इसमें ला करके यार, ऐसे दोस्त नहीं कमीने, स्टार्ट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाड़ी को अभी लगाएंगे इतने वो निकलते हैं यार, टाइम काफ़ी लेट हो गया है। सो फाइनली हम निकल चुके हैं, लेकिन बारिश भी स्टार्ट हो गई निकलते ही। तो दुआ करते हैं कि रास्ते में खैर आफियत से पहुँचे और वापस भी खैर आफियत से आए। तो अभी जाते हैं, मनसिब का जो भाई जा रहा है ना, तो उसको पिक करते हैं घर से। सो अभी ऐसे में हिरन आ गया, तो अभी हिरन को भी देखते हैं। पंच वाले सफले, ओए ओए सफलो था यार, माशाल्लाह। सबलो तरे गोर सर तरे गोर मना सर तरे गोरा निपोचे अति सर तो गोरा वाह बोलू मना मंगरीब खले क्यों मंगे नहीं शुआ कस्ते तो कस्ते शे सब ये मिलेंगे और फिर निकलेंगे। So finally we are in Islamabad International Airport and Hiran with us. गाड़ी को थोड़ी ठंडी करेंगे और अभी सामान वामान निकालना है। ये हमारे साथ डुलकी मार भी आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए इस्लामाबाद एयरपोर्ट और अभी आसिफ जाएगा अंदर, जब इसको बोर्डिंग पास मिलेगा तो फिर हम निकलेंगे कितने घर के लिए, कुछ खाएंगे पियेंगे फिर निकलेंगे। तो ये है, हल्की हल्की सी रोशनी छाई हुई है, अभी सुबह हो गई मामू, नहीं पा सुबह हो गई मामू, सुबह हो यार, काफ़ी तगी है, थर्स्टी फील कर रहे हैं। तो सर दर्द को ले है भाई, चला गया इसका यार, काफ़ी दुख हो रहा है, ये रो रहा था। एक बाल्टी आंसू हमने उधर जो है ना मेडल दोस्त है जिसने कभी इस्लामाबाद एयरपोर्ट नहीं देखा, ये ना इसको बैठने की तमीज है ना खड़े होने की तमीज है, ये सुबेदार पर बैठा है बस, ये कहता रहता है कि एक वीडियो बना दो टिकटॉक के लिए। अरे कदा दरोग नहीं जिस संग गई पसंद के तरह वाली ये चोकरा बोले तो एकदम जक्का अनोर नहीं बोल रहे थे। बस कुछ कहना चाहोगे, आपका भाई चला गया यहाँ से, मेरा बस का भाई भी किसी ने छू गया और अभी यहाँ पर रुकेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और आसिफ का वेट करेंगे, जब वो जाएगा तो फिर निकलेंगे। काफ़ी यार आंखों से आपको पता चला होगा, नींद इतनी भी नहीं की और सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है। हाँ क्यों काय को आ गई हमारी चाय और ये बंदा इस पर टूट पड़ा हूँ और ये मरने के करीब, ये ठीक ठाक है। हाँ ये नहीं कहेगा, अरे जस्ट हमें कुछ खाना पीना है क्योंकि मुझे फिर ड्राइव भी करनी है, सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है। तो सोचता हूँ अगर चाय पी लूँ तो इंशाल्लाह ठीक हो जाए। आलू का पराठा ना, आलू का पटाखा, ये अभी बुड़ बुड़ कर रहा है।
खाने का सत्यानाश कर दिया, अभी निकलते हैं। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे और मतलब कभी थोड़ा सा वेट करेंगे। खाना वाना ख़त्म कर लिया, अभी जाएंगे उधर आसिफ को कॉल करेंगे, उसका अगर फ्लाइट मतलब कंफर्म है तो फिर उसका वेट करेंगे, अगर कंफर्म नहीं है तो फिर इंशाल्लाह निकलेंगे हम घर के लिए। ये रश चेक करें कितने लोग हैं, ये हज से वापस जो पैसेंजर आ रहे हैं ना, तो ये सारे उसकी वेट में लगे हुए हैं और हमारा अभी तक गया नहीं और हम उसकी वेट में लगे हुए हैं और दिमाग काम नहीं कर रहा यार, काफ़ी थके हुए हम। रात के निकले हुए, अभी 8:25 हो रहे, फ्लाइट का टाइम है, तो वो तो टेक ऑफ कर लिया होगा उसने और हमारा उससे अभी रब्ता नहीं हो सकता। और मुझे काफ़ी चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ भी आ रही है, पता नहीं या तो नींद का मसला होगा या कुछ और, लेकिन तबीयत काफ़ी ख़राब है। बस अल्लाह करे कि हम खैर से पहुँच जाए। अभी रास्ता भी हमें काफ़ी मतलब हम दूर हैं यहाँ से, 150-170 किलोमीटर हम अभी हमें रास्ता बाकी है। मुंसिप और नायब वगैरह तो पीछे आ रहे हैं, लेकिन मेरी हालत काफ़ी टाइट हो गई यार। पर्सनालिटी सर तरह को रहा, इन दोनों की भी हालत टाइट हुई पड़ी है, इस खान का भी ऐसे वैसे ही सर की चट्टी। सो फाइनली हमारा निकलने का टाइम आ गया यार, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह करे कि खैर से पहुंच जाए, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई पड़ी है यार। गाड़ी को भी स्टार्ट, एसी को करते हैं स्टार्ट क्योंकि गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा यार। अब इसमें ला करके निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में बारिश भी हो गई, कुछ जगह पर सूरज निकली और कुछ जगह पर ये चेक करें बारिश हो रही है, और हमारी आंखों से आपको पता चल रहा होगा कि काफ़ी धूल है और बैटरी लो है हमारी सबकी, पीछे भी आप देख सकते हो मरे पड़े हुए हैं। यहाँ पर तो काफ़ी बारिश हो रही है यार, ये आप चेक कर सकते हो माशाल्लाह। हमारे इलाके में इंशाल्लाह मौसम अच्छा होगा। हाय फाइनली, देखो मैं समझा कि ये रशका है लेकिन वो चकदरा का बोर्ड था, मैं नींद में हूँ। बस शुक्र है कि पहले से ही पता चल गया वरना गेम काफ़ी लंबा हो गया था। ये वाला बोर्ड देखा और सोचा कि यार ये मर्दान का मतलब रशका का बोर्ड है, लेकिन शुक्र है जल्दी से पता चल गया रशका का है ना, रशक एंड रचन का बोर्ड ला वही ये तो नहीं बोल के बोल का वा ये तो स्वाद का है, मैं समझा कि ये वही बोर्ड है, तो मसला हो गया। अभी दोबारा चढ़े मोटर पर, चलिए अपने इलाके में एंटर हो गए रशका इंटरचेंज। सो यहाँ से अभी घर को निकलेंगे, बस ख़त्म हमारा मोटर का जो सफ़र था वो यहीं पर समाप्त। फाइनली हम अपने घर पहुँच गए और काफ़ी थके हुए हैं। सो व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। डुलगीमर भी चला गया, आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।